गुड वर्क किया गया है एसपी वेस्ट और उनकी सीओ चौक और एसएचओ ठाकुरगंज इनकी टीम द्वारा। 23 जुलाई को एक सूचना मिली थी कि एससीएल में कार्यरत एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्री शरद निगम, इनका अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मार करके रात्रि लगभग 10:30 बजे कैंपबेल रोड पर हत्या कर दी गई है। उसी सूचना पर मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ कई थानों की टीम वहां पर पहुंची थी। तत्काल उस पर विवेचना शुरू की गई, इसमें कई टीमें गठित की गई जिसके क्रम में सीओ गंज को इनके ऑफिस में एससीएल के ऑफिस भेजा गया था। एक अन्य टीम सीओ क्राइम की जो टीम थी उसको वहां पर इसके घर और उसके आसपास छानबीन के लिए लगाया गया। पूरा रूट जो ऑफिस से घर तक का था उसको निकाला गया। सोशल वेबसाइट्स पर पूरा चेक किया गया कि जो मृतक है उसके कौन कौन दोस्त हैं, कौन दुश्मन हैं, क्या कारण हो सकता है। कई जगह के सीसीटीवी कैमरे घर आने के रास्ते के खंगाले गए तो ये पाया गया कि एक मोटरसाइकिल जो है उसका पीछा कर रही है। सोशल मीडिया से हमने ये अंदाज़ा लगा लिया कि एक महिला से उसकी जान पहचान थी, उसके संबंध थे। एक दिन पहले भी का भी जब हमने डिटेल्स चेक किए तो एक दिन पहले भी मृतक का उसके घर जाना पाया गया ऑफिस के बाद देर शाम। उसके बाद जब पता चला कि जो वो महिला है उसी के पड़ोस में जो ये अभियुक्त हैं सुरेंद्र जायसवाल और इसका हेल्पर सूरज, ये पड़ोसी थे। सुरेंद्र जायसवाल नहीं चाहता था कि उस महिला का किसी और से मेल जोल बढ़े, और जब ये बात इसको जब ये लगा इसको कि अब ये लोग शादी भी हो सकता है कर लें, तो इसने ये प्लान बनाया, अपने हेल्पर सूरज से उसकी रेकी करवाई। रेकी पूरी कराई गई जब ये, और घटना वाले दिन का भी जब हमने उसमें एनालिसिस किया तो ये पाया कि घटना से पहले इसकी लगातार अपने नौकर से बात हो रही थी, नौकर रेकी कर रहा था। उसके बाद ये दोनों एक साथ मोटरसाइकिल पर चल दिए और सुरेंद्र जायसवाल इनके द्वारा पीछा किया गया और घर से 200 मीटर पहले सुरेंद्र जायसवाल जो है इसने गोली चला करके उसको वहाँ पर घायल कर दिया, जिससे बाद में उसकी मृत्यु हो गई। बहुत ही जटिल ये केस था जिसका सफल अनावरण टीम द्वारा किया गया है। टीम को इस सफल अनावरण के लिए 20,000 रुपये का नगद इनाम मेरे द्वारा दिया जा रहा है।